दोस्तों नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्णा। आज अपन देखते हैं नया टॉपिक, नया इंस्टीट्यूट, निस्केल, NICCARI, निस्केल CARI। इसको बनाया था अपने इसडो की स्थापना, इसडो को खत्म करके निस्केल नाम दे दिया गया था। इसडो को खत्म कर दिया और नाम क्या दे दिया, निस्केयर नाम दे दिया। इससे पहले इसका नाम था इंस्टो और पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था इंस्टो। तो इंस्टो की जो प्रकाशन है वो कुछ निस्केयर भी प्रकाशन करता है, तो वो टेंशन मत लेना क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर हो गए थे। जैसे मैंने कल बताया था, वो एक इंस्टो का NUCSSI, वो पहले इंस्टो करता था, अभी वर्तमान के अंदर निस्केयर करता है। तो इंस्टो का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, निस्केयर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस इंस्टो की, इंग्लिश केयर की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। रिसोर्स है ये देखो हिंदी के अंदर ऐसे लिखते हैं इसको। एक तो है रिसोर्स होता है, एक रिसोर्स होता है, ये रिसोर्स है, थोड़ा इसका भी ध्यान रखना आप, रिसोर्स। फिर इसकी स्थापना कब हुई और किन संस्थाओं से इसकी स्थापना हुई ये देखते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर, कब हुई थी, 30 सितंबर, 30 सितंबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना पूछ ले कब, स्थापना एक एक टॉपिक अपन करेंगे आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप मेरे साथ बने रहना, आपको हर पूरी लाइब्रेरी का कोर्स मैं एकदम ऐसे ही फ्री के अंदर और आराम से एकदम सिंपल तरीके से बता दूंगा। तो 30 सितंबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी और दो संस्थाओं को मिलकर इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि एक तो अपने पढ़ा था इंस्टो, तो एक संस्था था इंस्टो, INSDOC। एक संस्था तो कौन सी थी, इंस्टो, और एक संस्था और है और बस इससे ही मिलता जुलता नाम है, उसका नाम है एन, बाकी आई पीछे लगा दो, निस्कॉम बोलते हैं इसको, NISCOM। भूल जाओ तो कुछ नहीं है, इंस्टॉक इसको चेंज करना, एन आगे लगा देना, आई पीछे लगाना और नाम चेंज, कभी क्वेश्चन आ जाए और निस्केयर भूल जाओ कि संस्था, तो इंस्टॉक तो याद रखना ही है। और इसका जस्ट ये उल्टा है, एन को यहाँ आगे पीछे कर दिया और निस्कॉम ये संस्था थी। और इंस्टो की स्थापना मैंने इंस्टो की आपकी फुल फॉर्म बता दी, और निस्कॉम की अगर लिखनी चाहो तो लिख लो निस्कॉम की, नेशनल, एन का नेशनल, आई का इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और सी का COM को का कम्युनिकेशन, बस इसकी स्थापना ये थी। ये इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाकर इसकी स्थापना हुई थी। और हिंदी के अंदर इसको, जैसे हिंदी के अंदर अभी यही है नाम इसका, इंडियन नेशनल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। निस्केयर स्थापना दो संस्थाओं से मिलकर की गई थी, इंस्टोक और निस्कॉम से। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, एक बेसिक जानकारी थी अपन के निस्केयर की। इसके बाद के अंदर निस्केयर ये किसका भाग है, तो ये भी अपन को देखना पड़ेगा, निस्केयर किसका भाग है। तो ये एक संस्था है CSIR, काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका है निस्केयर भाग है। तो निस्केयर पूछ ले, निस्केयर किसका भाग है, तो यहां मैं लिख रहा हूं निस्केयर, NISCAIR, निस्केयर CSIR का भाग है, CIS का CSIR, और इसकी फुल फॉर्म लिख लो काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या नाम है, काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का पूरा नाम, ये CSIR का भाग है। फिर बात आती है अपने इसे CISR, इस CISR ने एक
सेवा विकसित की गई थी तत्काल सेवा, TKDL, TKDL। तो अपन यहां लिखते हैं TKDL, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत डीप की चीज बता रहा हूं, आपको कहीं मिलेगा ही नहीं ये चीज। DKTL को किसने बनाया था? CSIR। क्वेश्चन हमेशा एक स्टेप आगे ही पूछा जाता है, CISR का क्वेश्चन पूछ रखा है, क्यों आपको निष्कर्ष की तो फुल फॉर्म पूछने से एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्यों सबको पता है। तो पिछली बार इसने क्वेश्चन पूछा था नेट के अंदर CSIR, CSIR, अब की बार आगे एक कदम पूछ सकता है। तो ये तत्काल है को CISR और आयुष मंत्रालय ने इसको बनाया था तत्काल को, और तत्काल के दिन में फुल फॉर्म ही बता दूंगा। और किसने बनाया था? AIUSH ने बनाया था, बनाया था। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, देखो निस्केर, निस्केर किसका भाग है? CSIR का। और CISR ने एक सेवा विकसित की तत्काल, TKDL, और इसकी फुल फॉर्म निकल जाओ तो लिख लो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, और इसीलिए इसको पूछा जाता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। TKDL को किसने विकसित किया था? CISR और आयुष। अब क्वेश्चन यहाँ कहाँ देगा? CISR को पता है मैं बता दिया, लेकिन आयुष नाम दे सकता है। TKDL किसने विकसित किया? तो आयुष मंत्रालय ने। क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, हमेशा एक स्टेप आगे, तो अपन को दो स्टेप चलते हैं, क्या पता दो स्टेप भी पूछ ले, इसीलिए अपन एक स्टेप आगे तक के TKDL को भी पढ़ लिया। ये थी अपनी TKDL और CSIR को किसने, TKDL को CSIR और आयुष मंत्रालय ने विकसित किया था। फिर आता है अपने एक स्वदेशी डाटाबेस, अपने कल पढ़ा था कौन सा? NUCSSI। ये डाटाबेस कौन जारी करता है? डेटाबेस ये जारी करता है, पहले इंस्टॉल करता था, वर्तमान के अंदर निष्क्रिय करता है, तो इसीलिए मैं वापस लिखा देता हूँ निष्क्रिय, मैं पूरा वापस लिखा दूंगा, जो वो निष्क्रिय इंस्टॉल करता था वो वापस लिखूंगा, क्यों जितनी बार रिवाइज करोगे इतनी क्या याद हो जाएगा आपको। ये बात थी अपने निष्क्रिय की बात, और NUCSSI एक डाटाबेस है जो भारत का प्रथम स्वदेशी डाटाबेस है, जो कौन जारी करता है? निष्क्रिय जारी करता है, निष्क्रिय जारी करता है, ये भी आप नोट कर लेना था, समझ में आ गया। ये अपने निष्क्रिय की जानकारी थी, और क्या है निष्क्रिय के अंदर? निष्क्रिय एक पत्रिका, जो प्रकाश शोध पत्रिका होती है, उनका एक फुल डाटाबेस तैयार करता है, और उसका नाम है नुपुर। क्या नाम है? नुपुर। और नुपुर है क्या? जो शोध पत्रिकाएं हैं उनका डाटाबेस है, शोध पत्रिकाओं का फुल टेक्स्ट डाटाबेस होता है ना, वो है। क्या है? नुपुर। और नुपुर, नुपुर भी आप लिख लो एक बार, नुपुर की फुल फॉर्म ये भी बता देता हूं आपको, यहां तक नोट कर लिया होगा आपने, तो आप नेक्स्ट लिखो नुपुर, NOPR, नुपुर। और ये क्या है? शोध पत्रिकाएं हैं, प्रकाशित शोध पत्रिकाओं का एक डाटाबेस है, तो यहां लिख लो प्रकाशित। कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर बता देना, मैसेज कर देना आप कमेंट्स के अंदर, आपका सोल्व कर दिया जाएगा जो भी प्रॉब्लम हो। प्रकाशित शोध पत्रिकाओं प्रकाशित शोध पत्रिका है उनका क्या है? डाटाबेस, फुल टेक्स्ट लिख लो आप, या डाटाबेस लिख लो, फुल टेक्स्ट सभी पत्रिका है उनको प्रकाशित नुपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये निष्क्रिय का भाग है, पूछ सकता है, क्योंकि ये निष्क्रिय का है, तो निष्क्रिय अपन ने पढ़ेंगे, तो एक 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 संस्था जो भी पढ़ेंगे अपन पूरा पढ़ेंगे, जो अध्यक्ष है वो बदलते रहते हैं, वो अपन ने अलग से एक पेपर पर लिख लेंगे वर्तमान के अंदर, जैसे कोई एग्जाम आएगा उससे पहले मैं आपको पूरा लिखा दूंगा कि इसका अध्यक्ष कौन है और इसका अध्यक्ष कौन है। टेंशन लेने को आपको जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लेना।
फिर आता है निस्केर के प्रकाशन कौन है, तो इसके जो प्रकाशन है कौन कौन से है, तो यहां लिखवा प्रकाशन, आराम से नोट्स बनाना आप और आराम से लिखना। प्रकाशन के अंदर सबसे पहला था इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, तो लिखो पहला प्रकाशन, बहुत सारे प्रकाशन है, कितने लिखना वही लिखा दूंगा सभी, लगभग मुझे याद है वो मैं आपको, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, ये किसके द्वारा प्रकाशित होती है, तो आपको आंसर देना है निस्केर से। और कल मैंने एक बताया था आपको इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, वो किसके द्वारा प्रकाशित होती है, जरूर कमेंट्स के अंदर बताना। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था अगर लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट बोले तो किसके द्वारा, और मैंने अब तो बता दिया इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा प्रकाशित होती है, निस्केर के द्वारा प्रकाशित होती है। फिर इसकी अवधि क्या है, तो पहले तो इसकी डेट लिखते हैं, अपने डेट है 1965 से यह प्रकाशित हो रही है, 1965 से यह प्रकाशित हो रही है। और इसकी अवधि पूछ ले तो सेमी मंथली है, सेमी मंथली है ये से, क्या इसकी प्रकाशित अवधि सेमी मंथली है, जरा जरूर ध्यान रखना आप इसकी अवधि, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट बताई थी, उसकी अवधि क्या बताई थी, वार्षिक बताई थी, और उसका प्रकाशन 1967 बताया था, लेकिन आपको आंसर देना है उसका प्रकाशन कौन करता है, ये कमेंट्स के अंदर आप जरूर बताना। फिर अपने हैं दूसरी पत्रिका, दूसरी पत्रिका है एनाल्स, एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी, एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इसकी प्रकाशित कौन करता है, तो पहले तो इसकी डेट लेंगे, इसकी प्रकाशन है 1954 से, और इसकी प्रकाशित क्वार्टरली है, क्या है, क्वार्टरली त्रैमासिक, कैसी है, त्रैमासिक, ये चीज थी अपनी सिंपल। एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इसकी अवधि पूछ ले तो क्वार्टरली है, और क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, 1954 से ये प्रकाशित हो रही है। तीसरा प्रकाशन आप चाहो तो लिख लो क्लाइमेट चेंज इन्फॉर्मेटिक्स, क्वेश्चन आ रखा है इसका, क्लाइमेट हिंदी में लिखा देता हूं, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज इन्फॉर्मेटिक्स, क्लाइमेट चेंज इन्फॉर्मेटिक्स इसका भी प्रकाशन कौन करता है, तो ये निष्क्रिय करती है। चौथा और लिख लो क्योंकि बहुत सारे हैं प्रकाशन, अपने लिखने में क्या है, एक बार पूरा लिखते, क्वेश्चन आए और नहीं आए अपन पूरा डीप के अंदर ले लेते हैं, और डीप के अंदर ही मैं बता रहा हूं, दी वेल्थ ऑफ इंडिया, ये आपको कहीं जानकारी नहीं मिलेगी इतना डीप के अंदर, ये इसीलिए नेट के अंदर यही पूछे जाते हैं। और लिखना चाहो तो और लिख लो, नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन इसका भी प्रकाशन कौन करता है, निस्के, तो आप लिख चाहो तो लिख लो नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन इसका प्रकाशन निस्के के द्वारा किया जाता है, तो अपन ये लिख लो 5 नंबर, नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन इसका भी प्रकाशन कौन करता है, निस्केर के द्वारा ये प्रकाशन किया जाता है। ये थी अपनी आज की पूरी
जानकारी मिस केयर के बारे के अंदर जितनी डीप हो सके मैंने आपको वो बता दिया है। और नेशनल अनुवाद सेवा कल बताई थी, वो भी वर्तमान के अंदर कौन करा है, निस केयर। तो एक और लिख लो, नेशनल अनुवाद सेवा, अनुवाद सेवा। पहले उसके अंदर क्या बताया था, इंस्टो करता नाम चेंज हो गया, तो भारत के अंदर नेशनल अनुवाद सेवा निस्टो के द्वारा प्रकाशित दी जाती है सेवा, अनुवाद सेवा। ये थी अपनी मिस केयर के बारे के अंदर जानकारी, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे डीआरटीसी। डीआरटीसी मतलब डॉक्यूमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसके बाद के अंदर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, क्यों ज़्यादा लंबी, अपने ये छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे अपन 15-20 मिनट तक, ताकि समझ में आसानी आए और एक एक संस्था पूरी हो जाए। तो ये आपकी आज तीसरी संस्था थी। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स अंदर ज़रूर बताना मुझे, ताकि आप मेरा सहयोग करोगे तो मुझे जितनी एनर्जी मिलेगी और आप अच्छा अच्छा मटेरियल में उपलब्ध कराऊंगा। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा।